आ गए हैं गाड़ी पे, हो गए हैं कॉलेज के लिए थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा मतलब दो लेक्चर छूट गए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके पहुँचते हैं, थर्ड लेक्चर से अटेंड करना चाहेंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल हेल राइडर मोटो व्लॉग्स। हाँ, मोटो व्लॉग्स। तो अच्छी सी धूप हो रही है, थोड़ा ठंडा सा माहौल है। वैसे 11 बज रही है, और ये है इंदौर का BRTS। और अभी हम चल रहे हैं AB रोड पे। हम वीडियो बनाए थे तो उसमें वॉइस हमने बहुत कम रखी थी, पता नहीं चला कि कितना तेज़ बोलना है, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है इतना, तो इस बार थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है, देखने को कुछ एक्शन मिलता है या नहीं मिलता है, जो भी होता है देखते हैं। तो स्टे ट्यून्ड और लास्ट तक वीडियो बिल्कुल देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करके कमेंट में आप बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल अबाउट में जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की ID दिख जाएगी, लिंक दिख जाएगी, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और DM मतलब मैसेज भी कर सकते बता सकते हैं। और यहाँ पे जो पुलिस है रोज़ खड़ी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इनसे एक बार पूछना है मुझे कि एक ड्राइवर को नेसेसरी पेपर्स क्या लेके चलना चाहिए अपने साथ। अभी तो फ़िलहाल लेट हो गए हैं, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। अगर आते वक्त भी है यहीं पे खड़े रहे, या फिर कहीं और कोई दूसरे जगह पे अगर ऐसे ही कोई खड़ा रहा पुलिस, तो हम जाके उनसे पूछेंगे कि एक ड्राइवर को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सोचे बहुत सारे कंटेंट्स हैं, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना बहुत टफ हो रहा है, और एडिटिंग करने में वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी नए नए हैं तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो जल्दी जल्दी एडिटिंग हो जाएगी। स्टिल इट विल टेक मोर देन टू आवर्स सीखने के बाद भी। और ये देखो गैस सिलेंडर्स, वाह वाह, इतनी सारी बिना किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, मतलब एटम बॉम्ब लेके घूम रहे हैं। एक क्या बोलते हैं इस चीज़ को यार, टाटा एस आई थिंक सो, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं। तो मैं हूँ इंदौर से, और इंदौर आ चुका है स्वच्छता अभियान में फर्स्ट। लेकिन स्वच्छता में तो फर्स्ट आ गया, लेकिन हेलमेट और सेफ्टी के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम। क्योंकि दूसरी सिटीज़ में ऐसा है कि बहुत कम लोग आपको बिना हेलमेट के दिखेंगे, और यहाँ ऐसा है कि बहुत कम लोग आपको विद हेलमेट दिखेंगे। जब से मैंने YouTube पे सर्च करना शुरू किया, मुझे हेलमेट का, सेफ्टी गेयर्स का इम्पोर्टेंस पता चला है, तो तब से मैं हेलमेट वेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल डेली वेयर करता हूँ। भले ही छोटी सी जगह पे जाना हो, मैं वेयर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ पहनना, क्योंकि मुझे तो अपनी जान प्यारी है भैया। तो इंदौरी लैंग्वेज में बोले, भैया हमको तो हमारी जान प्यारी है। यहाँ पे भी पुलिस है, ये एक और अच्छी बात है। पुलिस वाले भैया ने जो एक्सप्रेशन दिए ना हमारे कैमरे को, चलो इन पुलिस वाले भैया से बोलते हैं हेलमेट के लिए। सर सर, आप हेलमेट नहीं पहन लेंगे तो कैसा चलेगा सर? ऐसे तो नहीं होगा ना, अगर आप ही ऐसे ही बिना हेलमेट के चलेंगे तो सर? फिर भी मतलब सेफ्टी के लिए, दूसरों को बताने के लिए आपको पहनना चाहिए। तो
तो पुलिस वाले भैया से हमने बात कर ली है, उनके रिएक्शन देख लिए हैं, कैमरे को देख के उनकी हालत टाइट सी हो गई थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और एक और मेन बात मैंने नोटिस नहीं करी, उन्हें जो खा रहे थे वो थूक दिया। क्या यार, सही में यहाँ पे पुलिस वाले ही नहीं मानेंगे तो फिर पब्लिक का क्या होगा। ये वीडियो तो अल्टीमेट होने वाला है, इस वीडियो में मज़े आने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार पहले भी हुआ है जब मैं हेलमेट वेयर नहीं करता था, या जब मैं हेलमेट वेयर भी करता था और ऐसे पुलिस वालों को देखता था, लेकिन तब मेरे पास ये कैमरा नहीं था तो रिकॉर्ड नहीं कर पाता था और मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि कुछ प्रूफ ही नहीं होता और वो कुछ भी बोल के मुझे आगे पीछे कर देते। लेकिन अब मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास आप सब लोग हैं, तो अब कुछ अच्छा होने वाला है। ये कैमरा जो हेलमेट पे फिट होता है, ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ, हर चीज़ का प्रूफ होगा इसमें, हर चीज़ का। अगर आप सही हैं तो फिर आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी यानी अगर वो गलत है सामने वाला, तो आप उसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ज़ोमैटो हेलमेट पीछे लटके हुए हैं और हम ज़ोमैटो ब्रो, थूकना नहीं। पता नहीं क्या है, सरकार बैन क्यों नहीं करती ऐसी चीज़ों को, पब्लिक तो मानेगी नहीं, सरकार एटलीस्ट कुछ कर सकती है। तो ये लापरवाह लोग, वाह 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 वाह, गेट खोल के बैठे हैं हीरो बन के, और कहीं भी रोक के किसी भी लिए मोड़ लिए ना हमारी तरफ, कहीं भी रोक के किसी भी जिस किसी को भी मतलब जाना हो कहीं पे, उनको बिठा लेंगे, किधर भी जिधर रोक लेंगे उधर बिठा लेंगे, ऐसा नहीं कि मना कर दें, नहीं, हमको तो सवारी बिठानी है, हमको तो पैसे ही कमाने हैं, भले ही फिर वो ओवरलोड क्यों ना हो जाए। एज आई सेड कि हेलमेट पहनना कोई प्रेफर नहीं करता है यहाँ पे बिल्कुल भी, आप देख ही सकते हैं, मतलब सामने वाली साइड से आने वाले भी, उसमें से भी कोई नहीं पहना है, हमारी साइड पे चलने वालों में भी कोई नहीं पहना है। पता नहीं क्या यार, इन लोगों को अपनी जान की परवाह ही नहीं है। और इनसे कुछ कह दो तो कहते हैं यही तो जा रहे थे, थोड़ी दूर की तो बात है भैया, थोड़ी दूर में तुम कितना दूर हो जाओगे, घर पे तुम्हारा भी कोई वेट कर रहा है ना। तुम चाहते हो ना घर जाना, तो एटलीस्ट हेलमेट तो पहनो, बाकी दूसरे गियर्स ना सही। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अपनी लेन छोड़ के हमारी लेन में तो इस तरह घुस जाएंगे, मानो चाचा विधायक हो इनके, मतलब चाचा तो ठीक है, ये खुद ही विधायक हैं ऐसा लगता है। अब ये देखो स्कूल स्टूडेंट खंडेलवाल ट्यूटोरियल्स, कोचिंग स्टूडेंट आई थिंक, बाकी कोचिंग में ड्रेस नहीं होगी, हाँ तो स्कूल स्टूडेंट विदाउट हेलमेट, आगे शायद भैया बैठे होंगे, स्टिल नो हेलमेट। अब बड़े ही ना पहनेंगे तो छोटे क्या पहनेंगे,
अब पुलिस वाले ही ना पहनेंगे तो फिर पब्लिक बाकी दूसरे पीपल्स क्यों पहनेंगे? वो पुलिस वाले भैया जो भी मिले थे, ना हेलमेट था और ऊपर से स्वच्छता में दाग लगा दिया है, बिल्कुल स्वच्छता में दाग लगा दिया उन्होंने। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कॉलेज, थोड़ी सी दूरी बाकी है बस। फिर जब कॉलेज से निकलेंगे फिर अपना कैमरा शुरू करके निकलेंगे तो फिर कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, तो बढ़िया मज़ा आएगा। क्योंकि स्टूपिड पीपल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बिना इंडिकेटर के मुड़ने वाले, बिना हेलमेट के सफ़र करने वाले, और बिना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने कि किस लेन में चलानी है, दूसरों को क्या नुकसान हो सकता है, खुद की जान की बिना परवाह किए, खुद की जान। खुद की जान ठीक है, दूसरों की जान की तो फिक्र कर लो भैया, या उल्टा भी कह सकते हैं कि दूसरों की नहीं खुद की फिक्र कर लीजिए। किसी भी बहाने से हेलमेट तो डाल लीजिए। तो मैं इंस्पायर हुआ हूँ इंडियन हेल राइडर से, जिनका यूट्यूब पे अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पेज है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी सिटी के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैं भी करना चाहता हूँ बिल्कुल। वाली लेन खाली छोड़ी हमने, वहां से नहीं गए तो तुम इधर से आ गए, क्योंकि हम तो रूल फॉलो। ओ माय गॉड, घर बना रहे हैं और सब कुछ पड़ा है बाहर एकदम फर्स्ट लेन की तरफ। चलो तो कॉलेज आ गया है, अब मिलते हैं कॉलेज के बाद। स्टे ट्यून, वीडियो देखते रहिए। बहुत ही अच्छी जगह मिली हमको लगाने की, एकदम वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पे। अरे तो